बीती रात दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में युवक की हत्या। मृतक का नाम महेंद्र उमर 21 साल। पड़ोसियों पर युवक की हत्या का आरोप। परिजनों का आरोप सरेआम चाकू से गोंदकर हत्या। मृतक का आरोपियों से है पहले से झगड़ा। मृतक तिहाड़ जेल से जमानत पर आया था। थाना KN काटजू पुलिस जांच में जुटी। यह देखिए सड़क पर जगह जगह बिखरा खून। यह खून महेंद्र सिया उर्फ सोनू का ही है। सोनू कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था। दरअसल महेंद्र का पड़ोस के लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में यह जेल में बंद था। जैसे ही अब जेल से बाहर आया है, फिर से आपस में दोनों गुटों में तनातनी रहने लगी। बीती रात महेंद्र अपने घर से मोटरसाइकिल पर ममोज लेने के लिए निकला था, तभी आरोपी युवकों ने उसे घेर लिया और गली के बीच में उस पर चाकुओं से, डंडों से और चारपाई के बनने में यूज होने वाले डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। महेंद्र की इतनी पिटाई की गई कि वह पूरा खून से लथपथ हो गया। जब आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी, परिजन भी भागकर आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। महेंद्र को तुरंत पुलिस की गाड़ी से बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में दोनों गुटों में तनातनी को देखते हुए पूरे एरिया में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल KN काटजू मार्ग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज तलक के लिए अंकित खान की रिपोर्ट। जैसे पीटा जैसे बकरा काटी, जैसे काटा उन्होंने मेरे बकरे जैसे काट दिया, मेरे हाथ से फूके लिखे ऐसे मैंने खींचा। छोटे भाई इसको मारने लगे, भाई इसको मैंने इसको गिर भाग। उसी टाइम कहते मेरा लड़का खत्म हो गया। दस पंचे जने सन, दस बारह जने मोहम्मद सरेने गया, उसको पीछे से दिमाग मारी, सिर वाली मारी, नीचे फेंक ग्रेट के उसको मार दिया। जाऊ तब भी जान से मार दिया। चुचाकू छुड़िया उड़ाड़े वो मारे उन्होंने, मंजपा चाकू छुड़िया मंजिया दे पावे मैंने खींच, मेरे लड़के इसको भी हुआ मैंने वाला ये छोटे वाले को भी मारा उन्होंने। मेरे हाथों से छीन लिया उन्होंने, मेरा लड़का दे दो मैं दे मर जाती। मेरा भतीजा है जी, जो जिसको एक्सपायर हुआ है जी। और ये कम से कम नहीं तो 4-5 लड़के थे उसको मारने वाले। पहले उन्होंने सिर में राड मारी है, वो मोटरसाइकिल से गिरा, फिर उसको पीठ पे हाँ चक्कुओं से ये जिधर मारते गए हैं चक्कुओं से, और एक आदमी ने उसको लात से घसीट करना 3 नंबर गली तक घसीट के ले गए अपने घर के आगे। हाँ, वहाँ भी वो भैंस बल्लों से वो ये जो छुरियों से बहुत पता ही नहीं। फिर मैंने आकर इधर हल्ला डाला है, फिर इनको बुलाकर लेकर गया 100 नंबर पे, फिर उन्होंने 2 फायर भी किए वहाँ। फिर मैंने आकर इन सब लोगों को बहुत शोर मचाया। उनके पास 2 नंबर का असला वगैरह भी पड़ा रहता है। हाँ, तो आपका नाम जी? मेरा नाम अमरीक सिंह है। तो जिस वक्त ये घटना हुई आप वहाँ मौजूद थे उस वक्त सामने? मैं जी सर, मैं कोई काम जा रहा था तो मैंने देखा कोई लड़ाई हो रही है, तो देखा तो हमारा भतीजा था, उसको पहले सर में राड मारी है, फिर मैंने फटाफट से इधर आकर शोर डाला। हाँ, हाँ वो जब नीचे गिरा है रोड लगने से नीचे गिरा है, उसके बाद उन्होंने चप्पलों से और ये भैंस बल्लों से उसके ऊपर हमला रोडों से। कोई आपसी रंजिश तो नहीं चल रही है पहले से पुरानी? हाँ जी, ना मेरे ना सिर वाले मारने लगे, इतने में मैंने हाथ आगे कर दिया, इतने में भागने लगा ना मेरे यहाँ पीठ को, इतने में भाग के मैं घर पे आ गया। आप अपने भाई के साथ थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त साथ नहीं था। जब पता चल गया था ना अभी मेरे भाई को मार दे, तब मैं गया था उसको। कितने लोग थे और क्या कुछ कह रहे थे मारते हुए? कुछ बोल रहे मार देंगे मार देंगे, आज तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एकदम आके अटैक किया? बाइक पर थे या पैदल थे? बाइक पे थे। आपके बाइक पे? बाइक पे हमारा लड़का था और उसकी सामने फोन। मेरे हाथों से छीना मेरे हाथों जी। क्या नाम था, क्या काम करते थे? वो सवारी का काम करता था, थोड़ा प्राइवेट ड्राइवरी सवारी सूरी का काम करता था। महेंद्र सिंह सोनू कमांडो नाम था। किस चीज को लेके झगड़ा हुआ आप लोगों का? पता नहीं, ये लड़कों लड़कों में हुआ है, पहले इनकी कुछ चल रही थी।
तो बताया जा रहा है पैरोल पे भी आए थे, जमानत पे आए थे, कहीं कुछ मामला चल रहा था? हाँ, जमानत पे भी आए थे, मेरा लड़का आया था जमानत पे, निर्दोष था इसलिए जज ने जमानत दी थी। जी, तो क्या हुआ बाद में? उन्होंने रंजिश रखी, उन्होंने कहा तूने हमारा सिर फोड़े, आज हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बस उन्होंने जान से मार दी। कौन थे, क्या नाम था मारने वालों का? उनका नाम था थानेदार के दो लड़के थे, मन्नू काला और रवि और किशन और हैप्पी, हैप्पी बीसी है जी। हाँ, 5 साल डकैती में काट के है, तिलक बिहार का बीसी है वो। इस मामले में अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कितने अरेस्ट किए? अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं की, एक जो बंदा साथ में गया था थोड़ी बहुत बरोची आई थी उसको अरेस्ट किया बस, वो तो अभी कस्टडी में है, रवि कस्टडी में है, 4 भागे हुए हैं जनाब। रात कितने बजे का मामला था ये? 7:45 और 8 बजे के बीच का था मेरे।